अब गहलोत के कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही पार्टी को गिना डाले चुनाव हार के कारण बयान पर गर्मा ही सियासत। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें हारने के बाद अब सत्ताधारी दल कांग्रेस में ही नेताओं के बगावती सूर तेज हो गए हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि जयपुर लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें हारने के बाद अब कांग्रेस जो है उनके नेता अपनी सरकार के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक और राज्य के कैबिनेट मंत्री रमेश चंद मीणा का इस मामले में बड़ा बयान हमारे सामने आया है और रमेश चंद मीणा का कहना है कि इस करारी हार का कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, क्योंकि बीते 5 माह में कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए और उनमें निराशा पैदा हुई है। साथ ही आम आदमी की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में पार्टी को हुआ है। रमेश चंद मीणा का कहना है कि लोकसभा चुनाव में वे करीब 5-7 जिलों में गए, प्रदेश में नौकरशाही हावी है और हार के कारणों में सबसे बड़ी वजह भी यही रही होगी। इसी मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व से अपील की इस समस्या पर अंकुश लगना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी सभी की बनती है। मंत्री मीणा का कहना है कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से अपील की है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुई हार का आत्मचिंतन करना चाहिए, जिससे कि आगामी समय में आम जनता की सुनवाई हो सके। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि चुनाव में हार के बाद राज्य सरकार में कृषि मंत्री तारासिंह कटारिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके विधानसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस को 1 लाख से अधिक वोट से हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा है। राजनीतिक गलियारों में इस्तीफे की भी सरसा तेज बन चुकी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में सरसाएं तेज बन गई हैं। हालांकि इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। मंत्री के दस्तखत वाली विज्ञप्ति तेजी से वायरल हुई, जिसमें जयपुर ग्रामीण प्रत्याशी कृष्णा पूनिया की हार से व्यथित बताते हुए सीएम अशोक गहलोत के जरिए राज्यपाल को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। तो बने रहिए आप ऐसे ही द सुगम के साथ, हमेशा आपको पल पल खबरों से अपडेट करवाता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, आपकी खबरें आप तक, आपकी भाषा में सही और सटीक, आज तक आगे तक।